Hello dear students, you are most welcome on SV Grammar Point channel. आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने हैं, स्पेशली ग्रामर में. आपके लिए नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी है. साथ साथ हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सेंटेंस पार्ट्स है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस है, ट्रांसलेशन है, पंक्चुएशन है. तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी. और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्रामर सही कैसे काम चलेगा, तो उनके लिए भी हमने योजना बनाई है. टेक्स्ट बुक के लिए भी इंटरमीडिएट में जितने हैं वो सब आपको धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे. एलेवेंथ में जो चैप्टर हैं, पोएम है, वो सब आपको बताया जाएगा. शॉर्ट स्टोरी बताई जाएगी. हाई स्कूल के लेसन्स बताए जाएंगे आपको. प्रोज के, सप्लीमेंट्री के लेसन, पोएट्री के लेसन बताए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे. केवल आपको इस चैनल पर बने रहना है और लाभ उठाते रहना है. तो मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन जनरल रूल का और किस स्पेशल रूल का ध्यान देना है. यद्यपि आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर कि जनरल रूल एंड स्पेशल रूल का यूज़ जब हम करते हैं, तब कोई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है. इसके जनरल रूल को ध्यान में रखते हुए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, प्रॉपर कंजंक्शन लगाते हैं. कंजंक्शन का यूज़ हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के आधार पर करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है. उसमें पांच प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मेकम. उनके नाम हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. हम आपके सामने चर्चा कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इम्परेटिव सेंटेंस की. तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑप्टेटिव सेंटेंस. मित्रों, ऑप्टेटिव सेंटेंस मे यू से प्रारंभ होता है, मे गॉड से प्रारंभ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. इनको देखते ही हम जान लेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है. और इसके लिए जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब को. रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू रहता है मित्रों, अधिकांश 98%, 99%. तो सेड या सेड टू को बदलने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के आधार पर. ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक, शुभकामना सूचक, श्राप सूचक वाक्य आते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, एग्जाम्पल के लिए आप दीर्घायु हो, इस प्रकार का सेंटेंस है. तब आप जान लें कि विश्ड का यूज करना है. यदि मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है. इसके लिए सेड या सेड टू को प्रेड में चेंज कर देते हैं. मे यू गो टू हेल, मित्रों हेल मीन्स नर्क होता है, आप नर्क में जाए, तो ये अभिशाप सूचक है. इसके लिए हम सेड या सेड टू को कर्स्ड में चेंज कर देते हैं. इसका कंजंक्शन दैट होता है, अंत में फुल स्टॉप यूज होता है. तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बदल जाता है इनडायरेक्ट में. एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग. तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और अंत में ये चेंज हो गया असर्टिव सेंटेंस में. इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, मदर सेड मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल. तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें, गो टू हेल आया है, तो आप जान लें अभिशाप सूचक है, अभिशाप दिया गया है. तो इसके लिए मदर कर्स्ड दैट द किलर ऑफ हर सन माइट गो टू हेल. थर्ड एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन,
में गॉड से स्टार्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये शुभकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इसलिए हम यहाँ पर सेड या सेड टू को प्रेड में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विथ ए सन। तो इस प्रकार से ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की विधि एग्जाम्पल सहित आपको बताई गई। आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री चैनल है। आप बिना कुछ दिए ही इस पर सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सो बी ऑन दिस चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू।